unnecessary delay in class. Well, am I audible and is slide visible so that we may start without any further delay? Okay, that's great. That's truly great. Okay, Waseem Ahmed, not Waseem Dinari. Waseem Ahmed, I will contact you after the class. I've checked your work. I just wanted to remind you. Just in class. Thank you. अच्छा आज से हम जो टॉपिक की सीरीज करेंगे ये अगले चार दिन तक जो चलेंगे वो है मिडल ईस्ट से रिलेटेड कि जो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स है ओके जस्ट होल्ड ऑन थैंक यू अरसलान फॉर रिमाइंडिंग आई नीडेड टू रिकॉर्ड देम ऑल ओके आज से जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे वो दे ऑल आर रिलेटेड टू द मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और उनमें मैं आपको कॉन्टेक्स्टलाइज कर मतलब उनका है कि मैं आपको फ्रेमवर्क बता दूं कि हम क्या चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं मिडल ईस्ट में और कब और कैसे क्योंकि मिडल ईस्ट ऐसा तो बहुत बड़ा है आज हम मिडल ईस्ट का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और मसला फलस्तीन इन दो चीजों के ऊपर बात करेंगे कल हम बात कर लेंगे कि मिडल ईस्ट की जो कोल्ड वॉर है वो है क्या और उसके जो ओरिजिन है वो क्या है फिर हम इसमें मुख्तलिफ सवाल देखेंगे व्हाट इज द राइज ऑफ ईरान व्हाट इज सऊदी अरेबिया फिर हम देखेंगे कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ये जो जबलिश है ये आज की है या उससे पहले भी मौजूद रही है फिर हम उसमें देखेंगे कि एक क्वेश्चन है पाकिस्तान के लिए कि व्हाट इज द ऑप्शन फॉर पाकिस्तान वेदर टू जॉइन सऊदी अरेबिया और ईरान और इसके लिए फिर हम कल ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर पाकिस्तान ईरान रिलेशंस व्हाट आर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया रिलेशंस ये दो जब ये जो चीजें हो जाएंगी फिर हम वेंसडे को करेंगे कि यार अरब स्प्रिंग और जो मिडल ईस्ट होने वाली सिविल वॉर से थर्सडे वाले दिन हम डिस्कस करेंगे ईरान और अमेरिका का आपसी तनाजा ईरान न्यूक्लियर डील पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड ईरान यूएस टेंशन और उनकी जो मौजूदा सूरत हाल है और वो उनका जो फ्यूचर है वो क्या है ये चार दिन हम कैटेगोरिकल मैनर में इसको देंगे और फिर हम फ्राइडे को कोई नई जो डिबेट है उससे छेड़ेंगे और फिर हम आगे जो पाकिस्तान अफेयर का स्पेसिफिक सिलेबस आ रहा है हम उसके ऊपर बात करेंगे So I hope I'm clear कि हमें सब क्या पढ़ने जा रहे हैं It is necessary so that you must have a fundamental idea कि हम क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं कब क्यों और कैसे Okay, Middle East in the eye of a storm इसकी आप basic outline देख लें कि हम इसमें क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं The first thing that we are going to study is कि what is the Middle East in first place? क्योंकि इसके ऊपर हम चार दिन की गुफ्तगू करने जा रहे हैं अगर हम इस टर्म का ही नहीं पता तो हमारी पूरी जो डिबेट है ये इररिलेवेंट है ये किसी काम की नहीं है और फिर हम देखेंगे कि मिडल ईस्ट से जो मसाइल में हमें घिरी हुई आजकल नजर आ रही है ये क्यों है ये आज के पैदावार है या ये ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मसाइल इस तरह से अनफोल्ड है और जो मिडल ईस्ट में इतने सारे मसाइल हैं तो उसकी फिर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और क्या मिडल ईस्ट इसी तरह से बर्न होती रहेगी या इज देयर एनी अल्टरनेटिव इज देयर एनी फ्यूचर जब हम मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो ईरान और तुर्की के माबैन तुर्की के बीच में जो भी हिस्सा अरब और अफ्रीका का आता है उसको मिडल ईस्ट हम कहते हैं लेकिन पूरा अफ्रीका का हिस्सा नहीं खासतौर पर जो इजिप्ट है लिबिया है इस तरह के जो ममालिक हैं जो कि मिलाकर इस रीजन को मिडल ईस्ट से नॉर्थ अफ्रीका का नाम देते हैं वो इसमें शामिल है यानी कि नॉर्थ अफ्रीकन रीजन मिडल ईस्ट की जो तारीख है वैसे तो बहुत पुरानी है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो तमाम तहजीबें हैं तमाम मजाहब हैं या तमाम तर ये जो दुनिया की तारीख में उरूज और जमाल के जो असबाब हैं वो वहाँ पे मौजूद है इस्लाम के आने के बाद मिडल ईस्ट में वाहिद टाइम पीरियड ये था खुलफाए राशिदीन का जहाँ पर रिलेटिव स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी आई इस्लाम फैलता गया यहाँ पे स्टेबिलिटी आती गई लेकिन क्रूसेडर्स वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने रीसेंट हिस्ट्री में जो मिडल ईस्ट का अमन है उसे बर्बाद कर दिया इसको दीगर बाद में जो है वो खत्म किया और जो बाद में सल्तनत उस्मानिया बनी उसने यहाँ पर अपनी लेजिटिमेसी इंश्योर कर ली लेकिन जैसे ज़ार ऑफ रशिया ने सल्तनत उस्मानिया यानी कि तुर्की को कहा कि यू आर द सिक मैन ऑफ द यूरोप तो उसके बाद हमने देखा कि मिडल ईस्ट से तुर्की का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म होता गया सिक मैन ऑफ यूरोप ये जो टर्म इस्तेमाल होती है उसका मतलब ये है कि तुर्की का अपने ही इलाकों के ऊपर गिरता हुआ असर रसूख हम ये देखते हैं कि किस तरीके से वहां भी तहरीक इमर्ज होती है और सल्तनत उस्मानिया को यहाँ से हिजाज के रीजन से भगा देती है हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हाशमी खानदान और राशिदीन जो राशिदून है खानदान
हारून रशीद का बुनियादी तौर पर खानदान, उनके दरमियान झगड़ा हो जाता है कि किसका काबे के ऊपर कब्जा होगा, या कौन, कब्जा तो नहीं हम कह सकते हैं, कि कौन हरमैन शरीफैन की जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर कर लेगा और किस तरीके से जो वहां भी तहरीके हुए मैश। फिर हम ये भी देखते हैं मिडल ईस्ट की हिस्ट्री में कि किस तरीके से मुख्तलिफ रूलर्स इजिप्ट के, बगदाद के और दीगर ममालिक के वक्तन फवक्तन सल्तनत उस्मानिया का जो बादशाह है, जिसे हम अपने अल्फाज में अफ्रामा में खलीफा कहते हैं, उसके खिलाफ ना खुद ना सिर्फ खुद बगावत करते रहे बल्कि उसको अंदरूनी तौर पर वीक करने के लिए और बैरूनी तौर पर वीकन करने के लिए साजिशों का हिस्सा बनते रहे। लेकिन जिस मिडल ईस्ट की हम आज बात करेंगे वो 1916 से शुरू होती है, जब फाइनली वर्ल्ड वॉर वन में सल्तनत उस्मानिया टूट गई, साइक्स-पिकर एग्रीमेंट के तहत उसे डिवाइड किया गया और यूं मिडल ईस्ट में एक ना खत्म होने वाली जंग का आगाज हो गया। जैसे मुस्लिम उम्मत के दिल में एक खंजर की मानद है 1948 में इसराइल की रियासत के तौर पर इमर्ज होना मिडल ईस्ट की रियासत जो ओवरऑल पॉलिटिक्स की उसके लिए मजीद नुकसान का सामना करता है। दुनिया में ये तो बात देखने को मिलती है कि बहुत सारी रियासतें हैं जिन्होंने एजेंसीज बनाई, इंटेलिजेंस एजेंसीज, लेकिन इसराइल दुनिया की वो वाहिद रियासत है जिसको एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने बनाया। यानी कि इन इसराइल मोसाद केम फर्स्ट बिफोर केम द स्टेट ऑफ इसराइल। जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान came first, then came ISI, and in India we saw the rise of India first, and then the rise of the RAI, your agency. But in the case of Israel, it was otherwise. 9/11 के बाद मिडल ईस्ट में अमेरिका की मुदाखलत, फिर अरब स्प्रिंग और फिर दाइश के इमरजेंस ने यहाँ पे सिविल वॉर्स के नतीजे में 30 लाख से ज्यादा लोगों की जानें ली हैं, उन्हें डिस्प्लेस किया है या उन्हें जख्मी करके अपने ही घरों में बेघर कर लिया है। कुछ लोगों का ख्याल है कैसा नहीं है कि महज बैरून फैक्टर्स ने मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया है। ईरान सऊदी राइवलरी, अरब अजम कॉन्फ्लिक्ट, ईरान और तुर्की की सऊदी अरेबिया के खिलाफ, यानी कि तुर्की वर्सेस सऊदी अरेबिया एंटागोनिस्टिक रिलेशंस, इन तमाम तर चीजों ने भी अरब स्प्रिंग के बाद सिचुएशन को मजीद खराब से खराब करने में अहम किरदार अदा किया है। कुछ लोग ये भी समझते हैं के जो नजरियाती तौर पर पॉलिटिकल इस्लाम की डॉक्ट्राइन है, ये भी मिडल ईस्ट के लिए बहुत चैलेंजिंग साबित हुई है। काफी इकोनॉमिस्ट इस बात को बहुत पजीराई देते हैं और जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो भी इस बात को बिल्कुल दुरुस्त मानते हैं कि इट वाज बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मिडल ईस्ट कि इट इज नाउ फाइनली केम इन द आई ऑफ इस्लाम। लेट्स सी हाउ मिडल ईस्ट का ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है, ईरान और मतलब ये जो पेंटेड रीजन है वो आपको नजर आएगा, जिसमें इंक्लूडेड है आप ये देख सकते हैं कि जो अरेबियन पेनिनसुला है और उसके साथ ये जो सीरिया, इसराइल, इजिप्ट, सूडान, लिबिया, तुनिस, अलजीरिया, मोरक्को, एक मिडल ईस्ट के ममालिक का डेफिनेशन ये है। दूसरी है ग्रेटर मिडल ईस्ट की डेफिनेशन, जिसमें फिर अफगानिस्तान भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें तुर्की भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें लिबिया और सूडान तो पहले इंक्लूडेड है। जो भी मिडल ईस्ट की डेफिनेशन हो, बहरहाल हम ये देखते हैं कि दीज आर द टू फ्रीक्वेंटली या ऑफन रिपीटेड टर्म्स व्हेन इट कम्स टू द एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द मिडल ईस्ट। वन इज द मिडल ईस्ट इटसेल्फ एंड द अदर इज मिना, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। अब मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है हम उसमें शुरुआत कर लेंगे कि द बेसिक क्वेश्चन इज कि व्हाई इज मिडल ईस्ट इन द आई ऑफ स्टॉर्म टुडे। आज मिडल ईस्ट में जो मसाइल हैं वो क्यों हैं, उनके ओरिजिन क्या, उनकी जो वजूहत हैं वो क्या है। तो वैसे तो मैंने आपको हिस्टोरिकली बहुत सारी बातें बताई, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस जिसको हम इस्तेमाल करेंगे वो है 1916। आप इसको ध्यान में रख लेंगे, 1912 में बाल्कन्स में वार होती है, 1914 में वर्ल्ड वॉर वन शुरू होती है, 1916 में यहाँ पर ये जो मिडल ईस्ट कंट्रोल्ड रीजन होता है जिसमें तुर्की आता है, जिसमें मक्का मदीना आता है, जिसमें बगदाद आता है, जिसमें शाम, लेबनान, लिबिया, ये सारे ममालिक आते हैं, इनके ऊपर नए दो ममालिक का कंट्रोल अब हो गया जिसको हम कहते हैं मैंडेट सिस्टम। ये दो इंडिविजुअल्स के नाम है, एक साइक इंडिविजुअल, दूसरा पीगट, ये दोनों फॉरेन मिनिस्टर थे बरतानिया और फ्रांस के रिस्पेक्टिवली। दोनों ने मिडल ईस्ट को डिवाइड किया फ्रेंच मैंडेट में और जो है वो ब्रिटिश मैंडेट में, और दोनों ने कहा कि मिडल ईस्ट यानी कि जो सल्तनत उस्मानिया है उसका आधा हिस्सा
बर्तानिया ले लेगा, आधा हिस्सा फ्रांस ले लेगा। तो बर्तानिया ने जो हिस्सा लिया वो बड़ा खतरनाक हिस्सा था, और वो हिस्सा था जहाँ पे आज मकबूजा फलस्तीन लाया करता है, या जहाँ पर रियासत इसराइल जो कि कॉलोनियल स्टेट है उसके तौर पर इमर्ज करती है। तो मेरे नज़दीक जो मिडल ईस्ट की मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आपको ये कॉन्टेक्स्ट के लिए पता होना चाहिए कि दिस वाज अ साइक्स-पिकर्ट एग्रीमेंट, जिसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है कि ड्राइंग लाइंस इन द सैंड। उन लोगों ने मिडल ईस्ट को डिवाइड किया जिन्होंने मिडल ईस्ट को कभी विजिट ही नहीं किया था, इसकी वजह से यहाँ पे जो एथनिक रिलीजियस सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो इंक्रीज हो गए। आप ये मिडल ईस्ट का मैप देखें, आपको दुनिया के तमाम तर ममालिक जो है वो कहीं पे उनमें गोलाई नजर आएगी, कहीं पे वो चौरस होंगे, कहीं पे डिफरेंट तरह की ज्योमेट्री होगी। मिडल ईस्ट के तमाम जो ममालिक हैं ऐसे लग रहा है जैसे एक स्केल लेके पेंसिल के साथ एक लाइन खींची गई और डिक्लेयर किया गया कि ये मुल्क है। आप सूडान की मिसाल ले लें, इजिप्ट की मिसाल ले लें, इराक, सीरिया, लिबिया की मिसाल ले लें, अल्जीरिया की मिसाल ले लें, यार कैसे मुमकिन है जैसे खुदा ने खुद ये बॉर्डर्स जो है वो बनाए। तो ये जो बॉर्डर्स की आपको रीड्राइंग नजर आती है, दिस वाज प्राइमरली अ कॉलोनियल प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द French and the British mandate, in which these two individuals, Sykes and Pickett, played a very pivotal role. और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि well, there is a different politics emerging from this particular region. आगे चलकर सल्तनते बरतानिया ने, जैसे हम ब्रिटिश एम्पायर कहेंगे, उसने एक बड़ा खतरनाक फैसला ले लिया जिसकी वजह से मसाइल बहुत इंटेंसिफाई हो गए। अ 200 वर्ड डॉक्यूमेंट केम टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ द मिडल ईस्ट वंस एंड फॉर ऑल, दैट वाज कॉल्ड एज द बेलफोर डिक्लेरेशन, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे ये जो फॉरेन मिनिस्टर था बर्तानिया का, उसने कहा कि भाई यूनाइटेड किंगडम सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ज़ायनिस्ट स्टेट ऑफ इजराइल इन द हार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट इन द ब्रिटिश मैंडेट फिलिस्तीन। तो यहाँ पे फिलिस्तीनियों ने पहले अपराइजिंग की कि यार आप कैसे कर रहे हैं। थियोडोर हर्ज़ल सल्तनत उस्मानिया के ऊपर बहुत सारी मूवीज भी आ चुकी है, एक है पतियाहार, ठीक है, ये आप अगर सीजन देखें लंबी है यार, तुर्की वालों ने तो लंबी सीजन बना लिए, इतना टाइम नहीं है बंदे को देखने के लिए। लेकिन अगर आप ये देख लें तो उसमें एक क्लिप बड़ा आजकल पॉपुलर है, वो ये है कि थियोडोर हर्ज़ल जो कि रियासत इसराइल का बानी था, वो सल्तनत उस्मानिया का जो आखिरी खलीफा है सुल्तान अब्दुल हमीद, उसके पास जाता है कि यार हमें पता है कि तुर्की के ऊपर, सल्तनत उस्मानिया के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा कर्जा पड़ गया है, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हम वो सारा कर्जा आपका पे करने के लिए तैयार हैं, बस हमें छोटी सी आप जमीन दें। तो सुल्तान हैरान हो जाता है कि यार आपको कौन सी जमीन चाहिए, आप इतनी बड़ी ऑफर कर रहे हैं, क्या माजरा है। तो उसने कहा कि ये जो फलस्तीन वाली सरजमीन है ये हमें चाहिए। तो सुल्तान ने तारीख अल्फाज उसे कहे कि द लैंड डिग्निटी एंड द पीपल ऑफ फलस्तीन आर नॉट फॉर सेल। आज आप डील ऑफ द सेंचुरी में वही देखते हैं कि अमेरिका ने लैंड, पीपल एंड डिग्निटी ऑफ फलस्तीन जो है वो फॉर सेल कर दी है। आज आप ये तीनों चीजें देखते हैं कि अरब वर्ल्ड ने अपने ही फलस्तीनी अरब भाइयों को बेस्ड ऑन अरब नेशनलिज्म उन सबको इग्नोर करते हुए ये कह दिया कि भाई जाओ, दफा हो जाओ, तुम जानो, तुम्हारा खुदा जाने, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो बेलफोर डिक्लेरेशन जो है वो पहला इंसिडेंट था साइक्स-पिकेट के बाद जिसने मिडल ईस्ट में नुकसान पैदा किए। सेकेंड ये था कि 1930s ऑनवर्ड यहाँ पे तेल जो है वो दरियाफ्त हुआ। काफी लोगों का ख्याल ये कि तेल का दरियाफ्त होना मिडल ईस्ट के लिए एक अच्छा शगुन साबित नहीं हुआ, क्योंकि तेल की दरियाफ्त की वजह से अमेरिका ने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की। तेल की वजह से ही हमने देखा कि बर्तानिया और दीगर ममालिक को यहाँ पे इंटरवेंशन का मौका मिला। लेकिन काफी लोगों का ख्याल है कि तेल एक ब्लेसिंग भी है, ये तेल ही है जिसकी वजह से मिडल ईस्ट में एक न्यू फॉर्म ऑफ इकोनॉमी वजूद में आई। कहाँ वो अरब शहजादे जो कि सहरा में भटकते फिरते थे, जो पानी के कुएं के ऊपर एक घोट के ऊपर एक दूसरे के कत्ल करते रहते थे, वो जो है वो इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के काबिल। इसको वॉइस इशू है एनीबॉडी, सब बाकी सब लोगों को आ रही आवाज, वॉइस इज क्लियर, फाइन, सरवान प्लीज लॉग आउट एंड लॉग इन।
ओके लेट्स वेट फॉर दिस इंडिविजुअल 30 सेकंड्स हम वेट कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं. Thank you. Okay. तो वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक जमाना आएगा कि जो अरब चरवाहे हैं वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर करेंगे कि एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे. आज आप बुर्जुल खलीफा देखें, सऊदी अरेबिया में टावर्स देखें, तो आपको वाकई नजर आएगा कि ये सारी चीजें कहाँ से वजूद में आई. तो तेल सऊदी जो ये जो है वो अपने आप में एक ब्लेसिंग भी था, अपने आप में एक कर्ज भी था. और तेल को एक वेपन ऑफ वॉर के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है, तेल को एज अ वेपन ऑफ डेवलपमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. जैसे हम देखते हैं कि 1973 में जो अरब इजरायली वॉर हुई थी उसके बाद ऑयल क्राइसिस दुनिया में, ऑयल वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड एज अ वेपन ऑफ वॉर. और मौजूदा हालात में अमेरिका ईरान का तेल बंद करके अगेन इस मिडल ईस्ट में एक प्रोलॉन्ग्ड ये जो ऑयल वॉर है उसे इंडोर्स कर रहा है. एक और रीजन जो कि मिडल ईस्ट में मौजूदा हालात का जिम्मेदार है, दैट इज ऑफन रेफर्ड एज अ राइज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम. कि इस्लाम अपने आप में एक महज मजहब नहीं है, इस्लाम अपने आप में एक सियासी सिस्टम भी है, माशी सिस्टम भी है, माशरती सिस्टम भी है, अखलाकी सिस्टम भी है और जुडिशियल सिस्टम भी है. और मुख्तलिफ ममालिक ने उसे मुख्तलिफ तरीके से जो है वो अपनाया है. इजिप्ट में उसकी डिफरेंट ब्रांड है, तुर्की में जहाँ पे लोग मुसलमान है लेकिन आइन सेकुलर है, सऊदी अरेबिया में बिल्कुल आपको जो है वो जो शुरू वाले दिनों में शरिया लॉस नजर आते थे उस तरह की जो पॉलिटिक्स है वो मिलेगी. उसके बाद ईरान में आपको डिफरेंट ब्रांड ऑफ शिया पॉलिटिकल इस्लाम मिलेगा. पाकिस्तान इज ऑल्सो इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी के विच पॉलिटिकल इस्लाम दे शुड सब्सक्राइब टू. एंड इन इंडोनेशिया वी ऑल्सो सी दैट देयर इज अ मेजॉरिटी, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी जो मुल्क है वहां पे भी एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ इस्लाम चलती है. पॉलिटिकल इस्लाम है क्या, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं. पॉलिटिकल इस्लाम बुनियादी तौर पर एक ऐसी इंटरप्रिटेशन का नाम है कि इस्लाम अपने आप में एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है और पॉलिटिकल एक्शन के लिए रास्ता मार कर लेता है. जैसे हमने एंड ऑफ हिस्ट्री की थीसिस पढ़ी है ना, उसमें भी ये बात की गई थी कि वेल आज की दुनिया में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये नहीं है कि अब बस मजहब ये जो डिबेट है नजरियाती खत्म हो गई. आज की जो एंड ऑफ हिस्ट्री में तो ये कही गई कि बस खत्म हो गई ना, लेकिन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में इस बात को ये सामने रखा गया कि नहीं, द नेक्स्ट कंफ्लिक्ट इज नॉट ओनली लाइकली बट इज हैपनिंग एनी टाइम सूनर, जिसमें पोलिटिकल इस्लाम एंड द वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी वुड बी एट ऑड्स विद ईच अदर. अब ऐसी सूरत हाल में यहाँ पे आपने देखना यह है कि पॉलिटिकल इस्लाम की बकाया डेफिनेशन ये है कि वो तमाम तर ग्रोह जो कि ये क्लेम करते हैं कि जो रियासत है या जो माशरा है उसे ट्रांसफॉर्म किया जाए इस्लामी उसूलों के ऊपर. सूद बंद होना चाहिए, शराब बंद होनी चाहिए और इस तरह की जो दीगर गैर अखलाकी इकदाम है माशरे में, ये तभी खत्म हो सकते हैं जब इस्लामी निज़ाम आएगा. अब इस्लामी निज़ाम ये जो पॉलिटिकल इस्लाम है मिडल ईस्ट में कैसे रेलेवेंट है कि उसने यहाँ पे खास मसाइल में या इसकी वजह से मल्टीपल फैक्टर्स और इमर्ज हुए जिसकी वजह से यहाँ पे मसाइल हुए. यानी कि द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इज नॉट प्रॉब्लमेटिक इटसेल्फ, मैनर इन विच वेस्ट हैज पोर्ट्रेड इट एंड द मैनर इन विच द डिक्टेटर्स ऑफ द मिडल ईस्ट हैव अलाइंड विद द वेस्ट हैज बीन ट्रूली इम्पॉर्टेंट इन एक्चुअली इंस्टिगेटिंग द टेंशंस. अब वो चीज क्या है, वो ये है कि 1928 में इजिप्शियन मुस्लिम ब्रदरहुड बनी अख्वान अल मुस्लिमीन अल मिस्र, जिसमें हसन अल बना और पाकिस्तान में सैयद अब्दुल आला मौदूदी और इस तरह के जो है ना रेडिकल इस्लाम के जो है वो लोग सामने आए. 1979 में हमने देखा कि खुमैनी इंकलाब आया जो कि
एक नए फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म पे इन्हेसार करता था। पहले जो शिया हजरात थे वो बस पैसिव थे कि यार बस इंतजार कर लेते हैं, इमाम मेहदी आएंगे आएंगे आएंगे। इमाम खुमैनी ने कहा, नहीं यार, आप ये कैसे इंतजार कर सकते हैं, आप पहले वो ग्राउंड तो पैदा करें ना, कम से कम कि जब इमाम मेहदी आए तो वो बकाया चीजों को लीड करने की तरफ लेके जाए। तो वलायत फकीह का, पॉलिटिकल इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, वो इमाम खुमैनी ने इंट्रोड्यूस कराया और उसके बुनियाद के ऊपर इस्लाम में, ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। जहां तक स्टेट्स ने पॉलिटिकल इस्लाम के आइडिया को अडॉप्ट किया, वहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स ने भी इस आइडिया को अडॉप्ट किया, जैसे अलकायदा, जैसे अलकायदा ने इराक, जैसे बोको हराम और जैसे आने वाले दिनों में दाइश। अब यहाँ पे लड़ाई हो गई कि कौन सा पॉलिटिकल इस्लाम बेहतर है। क्या वो पॉलिटिकल इस्लाम जो रियासतें सपोर्ट कर रही है, क्या वो पॉलिटिकल इस्लाम जो कि गैर रियासती अनासर सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से मुस्लिम वर्ल्ड में क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी एंड क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिकल इस्लाम, इसने एक नजरियाती तौर पर बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर ली और ये मसाइल इंक्रीज होते गए। नेक्स्ट इज रोल ऑफ यूएस इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर अमेरिका ने पहले इराक में इंटरवेंशन की 1991 में, फिर ईरान के साथ जो है वो जंग कर ली, फिर 2003 में इराक में इन्वेजन करके वहां पे पावर वैक्यूम क्रिएट कर लिया, फिर लिबियन सिविल वॉर में मुदाखलत की, फिर अरब स्प्रिंग को सपोर्ट करने की कोशिशें की। तो तमाम तरह में अमेरिका का जो किरदार था, और खास तौर पर इसराइल को एब्सोल्यूट सपोर्ट में जो किरदार था, दैट वाज वन ऑफ द सीवियरेस्ट रीजन जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट इज इन द स्टेट ऑफ क्राइसिस। उसके बाद 2011 में अरब स्प्रिंग, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस, ये हम पढ़ेंगे आगे चलकर। और इसी अरब स्प्रिंग की वजह से मिडिल ईस्ट में जो सिविल वॉर्स हुई हैं, इन्होंने इन सिचुएशन को मजीद जब इंस्टिगेट किया है। 2014 में दाइश का इमरजेंस, और फिर 2011 ऑनवर्ड ही मिडिल ईस्ट का जो हेजमान है वो कौन होगा, सऊदी अरेबिया और ईरान की जो आपसी लड़ाई है, उसने भी अहम किरदार अदा किया है। रीसेंट डेज में हम क्या देखते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जियोपॉलिटिकल स्टैंड ऑफ चल रहा है, इसकी वजह से सिचुएशन इज गेटिंग क्वांटम लीप टू द वर्स। आप बहुत सारी और बातें कर सकते हैं, यू कैन जस्ट स्टेट द आइडिया ऑफ कोविड-19 दैट इज मेकिंग द वर्स्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स फॉर द पीपल ऑफ द मिडिल ईस्ट। इम्प्लीकेशंस उसकी क्या हैं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि यार इम्प्लीकेशंस हम आप उसकी एनालाइज करें। मुसलमानों के जियो पोलिटिकल क्या है, जियो इकोनॉमिक क्या है, जियो स्ट्रेटेजिक, बस इन तीन चीजों में, रीजनल और इंटरनेशनल, चले इन पांच पैराओं में आप कोई भी जो है ना दो दो इम्प्लीकेशन अभी लिखें और जूम ग्रुप चैट में मुझे जो है ना अभी भेजें, ताकि सब लोगों के पास वो आ जाए और सब लोग इस चीज को जो है वो फाइनली लेके चले। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर जो है वी कांट प्रेडिक्ट फ्यूचर, बट वी कैन डिस्कस इट। और फ्यूचर ये कि यार मिडिल ईस्ट आने वाले दिनों में एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में ही रहेगी, मिडिल ईस्ट में कोई अमन नहीं आने वाला, एटलीस्ट नॉट इन द डेकेड वी आर लिविंग इन। वो अमन आ सकता है जब अमेरिका का रोल यहाँ से नेग्लिजिबल होगा, ये आ सकता है जब ईरान और सऊदी अरेबिया में रिकनसिलिएशन होगी, ये आ सकता है जब मुस्लिम वर्ल्ड में थोड़ी सी यूनिटी होगी और जो मुस्लिम उमा में खंजर की मानद एक रियासत है वो यहाँ से तहस नहस हो जाएगी। और जब तक हम और आप जिंदा हैं, इसराइल का मिडिल ईस्ट से खात्मा जरूर होगा। जिस दज्जाल की आमद का वो इंतजार कर रहे हैं, उसको हम जरूर जो है वो इंशाल्लाह निपटेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक अटेम्प्ट दे दें ताकि ट्रंप पास हो जाए। ठीक है, तो आप इम्प्लीकेशंस को जो है वो तब तक सोच लें, और उसके बाद हम फिर जो सेकंड टॉपिक है फलस्तीन इशू, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ये जो इलाका है तीनों मजाहिब के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें यरूशलम जो है वो तो वैसे ही तीनों मजाहिब के लिए इम्पोर्टेंट है। मुसलमानों की एंगल से देखें तो मस्जिद अल अक्सा, जहां से प्रॉफिट मेराज की जर्नी के ऊपर गए थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो वहां पे है। और ये हजरत उमर का एक बेहतरीन तोहफा है पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए, और इसकी प्रोटेक्शन हम सब की जिम्मेदारी है। यहाँ पर आपको वॉल ऑफ शेम, जिसे दीवार गिरिया कहते हैं, वो भी नजर आएगी, जिसकी दीवार मस्जिद अल अक्सा के साथ बिल्कुल मिलती है। और वो दीवार ज्यूइश टेम्पल, लास्ट ज्यूइश टेम्पल जो है, उसकी रेमिनिसेंस बाकियात में से है, जिसको रोमन एम्पायर ने जला दिया था, और अब यहूदी कहते हैं कि उसकी रिकंस्ट्रक्शन हो। यहूदी चाहते हैं कि, यहूदियों का ख्याल ये कि हजरत सुलेमान का जो तख्त था, और ये जो उनका आखिर ये जो यहाँ पे टेम्पल है,
ये बैन उस जगह पे है जहां पे मस्जिद अक्सा बनी हुई है। ये बिल्कुल वही एनालॉजी है जो कि इंडिया में हिंदू सरकार, बीजेपी सरकार जो है वो करती है कि राम मंदिर बिल्कुल ऐन उसी जगह पे है जहां पे बाबरी मस्जिद जो है वो खड़ी हुई थी। तो आप देखते जाएंगे कि दे हिंदुत्व एंड ज़ायनिज्म लर्न फ्रॉम ईच अदर्स प्लेबुक। जेरुसलम ईसाइयों के लिए भी एक मुकद्दस शहर का दर्जा रखता है क्योंकि यही वो जगह है जहां पे हजरत ईसा को बेड़ियों में जकड़ कर और जो है वो सलेब पे जो है वो लटकाया गया था। और जब उनकी जो जिस मकदस है उसे रखा गया तो अगले दिन देखा गया कि वो तो वहां पे है ही नहीं। तो वो इन तमाम तर रेमिनिसेंस की वजह से जो चर्च है बीबी मरियम के नाम से वो यहूदियों के लिए अब भी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट अहमियत का हामिल है। यहूदियों का ख्याल ये कि इस सरजमीन पे जब तक इसराइल का मुकम्मल कंट्रोल नहीं हो जाता, हजरत ईसा की जो सेकंड कमिंग है वो तब तक नहीं होती। मुसलमानों का कहना यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए और कितने ही मुसलमान उसके लिए मारे ही क्यों ना जाए, मस्जिद अक्सा को जो डिस्ट्रॉय और डिकंस्ट्रक्ट करने का जो इजरायली पार्लियामेंट ने फैसला किया है या जो कोशिश की है उसे हर सूरत में नाकाम बनाया जाएगा। अब मसला फलस्तीन बेसिकली 1882 ऑनवर्ड ज़ायनिस्ट मूवमेंट इमर्ज हुई, उसके नतीजे में वजूद में आया। 1917 के साइक्स पिकेट एग्रीमेंट के बाद ब्रिटिश मैंडेट ऑफ फलस्तीन ने उसे मजीद हवा दी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो 1948 में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक की वजह से सस्टेन होने वाली रियासत इसराइल अब एक बहुत बड़ी कॉलोनियल स्टेट बन चुकी है जो कि इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर को कुछ भी नहीं समझती। फलस्तीनियों का ये कहना है कि ये सरजमीन उनके आबा और अजदाद की है, लिहाजा वहां से उनको निकालना एक अच्छा अमल नहीं है। अरफात ने यहाँ पे फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक तहरीक शुरू कर ली, फलस्तीनियन नेशनलिज्म की, और उसने कहा कि ठीक है हमारे पास हथियार कम है लेकिन हर एक फलस्तीनी औरत का वोम एक बायोलॉजिकल वेपन है क्योंकि उसमें एक नया फलस्तीनी पैदा होगा जो कि एक दिन वेस्ट बैंक और गजा में जो ऑपरेशन है उसको रिजिस्ट करने के लिए अपनी सरजमीन को भी कुर्बान कर लेगा, सॉरी अपनी जान को अपनी सरजमीन के लिए कुर्बान कर लेगा। जब हम अरब इसराइल की बात करते हैं तो हम पहले तो इसराइल का मैप देख लें और फलस्तीन कहते किसे हैं उसे भी समझ लें। फलस्तीन नाम का कोई मुल्क नहीं है, फलस्तीन नाम की कोई ऑब्जर्वर स्टेट जरूर बहरहाल मौजूद है जिसको कुछ मुसलमान ममालिक रिकॉग्नाइज करते हैं। बेसिकली और जो जेरूशलम और हम उन्हें रियासत फलस्तीन कहते हैं जिसका कंट्रोल फलस्तीनियन अथॉरिटी के पास है जो कि 1992 में बनी थी। बाकी जो भी हिस्सा है वो आपको नजर आ रहा है खंजर की माने वो है रियासत इज़राइल। और इसी खंजर की वजह से इमाम खुमैनी ने कहा था कि इज़राइल मुस्लिम उम्मा के दिल में एक खंजर की तरह घोंपा गया है और ये दिल तब तक जो है वो दर्द सहता रहेगा जब तक इस दिल से ये जो छुरा है वो नहीं निकाला जाता। अगर आप इस मैप को और क्लोज देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ है जॉर्डन रिवर यानी कि जॉर्डन, दूसरी तरफ है सीरिया, तीसरी तरफ से लेबनान, चौथी तरफ से आपको नजर आएगी इजिप्ट और बाकी आपको नजर आएगा मेडिटेरेनियन सी। तो जो रियासत इसराइल है उसने अब इन रियासतों के साथ एक पीस ट्रीटी तो कर ली है लेकिन उसकी वजह से एक शेमफुल बात यह है कि अरब वर्ल्ड और ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है ये फलस्तीनियों को शायद भूल चुकी है। और आने वाले दिनों में जो ग्रेटर इसराइल का ड्रीम है वो इसी बात के ऊपर है कि लेबनान तक इसे एक्सपैंड किया जाए, गोलान हाइट्स के ऊपर कब्जा हो चुका है इसे एक्सपैंड किया जाए और ये जो जॉर्डन एंड रिवर है वहां तक इसराइल मुकम्मल आबाद हो, वेस्ट बैंक नाम की कोई चीज ना रहे। वेस्ट बैंक है क्या? जॉर्डन रिवर के दो बैंक हैं, एक है ईस्ट बैंक जो कि जॉर्डन में है एक प्रोविंस है और दूसरा है वेस्ट बैंक जिसको मौजूदा हालात में फलस्तीन कहते हैं।
फलस्तीन का जो मसला है, ये आप देख लें कि 1947 में जब ये मसला शुरू हुआ तो ज्यूइश सेटलमेंट्स आपको नजर आएंगी इतनी, जिसमें 74,000 कुल यहूदी थे जो कि आबाद थे इस रीजन में। यूनाइटेड नेशंस ने ऐलान कर लिया कि जो 48% एरिया है, 44% उसमें रियासत इजराइल क्रिएट की जाएगी और बकाया जो है वो फलस्तीन होगा। लेकिन 1948 की जंग में हमने देखा कि रियासत इजराइल ने तकरीबन सारा कंट्रोल संभाल लिया और महज कुछ हिस्सा जो है वो बकाया फलस्तीनियों के लिए बचा लिया। मौजूदा हालात में तो ये स्टेट इतनी तबाही तक पहुंच चुकी है कि अब फलस्तीनियों के पास मां सिवाय चंद लैंड के पीसेस के कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि डील ऑफ द सेंचुरी में जो रियासत फलस्तीन प्रपोज की गई है वो कुछ भी नहीं है, और फलस्तीनियों की इस लैंड को दिन ब दिन वापस लेने की कोशिश की जा रही है। अब जो ईद उल अजहा भी आ रहा है तो ये जो आप वर्ड सुनते हैं ना, चोजन पीपल, यहूदी कहते हैं कि हम खुदा की चुनी हुई कौम है, हम मुसलमान कहते हैं कि नहीं, हम ही वो उम्मत है जिसके लिए खुदा ने कहा था कि भाई तुम ही वो उम्मत जो उम्मत हो जो नेकी का हुक्म देती है और बुराई से रोकती है। तो ये चोजन पीपल के ये जो ओरिजिन है ये क्या है? बुनियादी तौर पर दोनों कम्युनिटीज में इस बात के ऊपर तजाद है कि हजरत इस्माइल सॉरी हजरत इब्राहिम को खुदा ने जो ख्वाब दिखाया कि अपनी सबसे जो कुर्बान सबसे जो जो करीबी चीज है, जो प्यारी चीज है, वो कुर्बान करो। तो यहूदियों का ख्याल ये है कि अगले ही दिन हजरत इब्राहिम ने हजरत इसहाक को कुर्बानी के लिए लेके गए और उसकी जगह पे दुम्बा आ गया, और यूं हजरत इसहाक की औलाद से हैं यहूदी, लिहाजा यहूदी चुने हुए लोग हैं। और ये जो सरजमीन है फलस्तीन की, खुदा ने कहा था कि मैंने अपने चुने हुए लोगों के लिए मुख्तस की है, लिहाजा इस सरजमीन के ऊपर जो राइट है वो तो सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का है। ऑन दी अदर एंड मुसलमानों का कहना ये है कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो खुदा ने हजरत इब्राहिम को ख्वाब दिखाया था कि जिस नौजवान को आपने कुर्बान करना है वो हजरत इस्माइल थे, और हजरत इस्माइल ही कुर्बानी के लिए लिए जा रहे थे जिसकी जगह दुम्बा आ गया, और उसी की नस्ल से हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे हम फिर मुसलमान हैं, लिहाजा हम चोजन पीपल हैं। सेकंड, हम इसलिए भी चोजन पीपल हैं कि आपके किताबों में यानी कि जूडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में तमाम तक जो चीजें खुदा ने नाजिल की थी, चाहे वो मनो सलमा से लेकर कुछ चीजों भी हो, आपने तमाम तक चीजों में रद्दो बदल कर लिया। लेकिन हमारी किताब की हिफाजत का जिम्मा चूंकि खुदा ने खुद उठाया है, लिहाजा हम चोजन पीपल हैं। तो पहले तो हम ये कह लें कि हम चोजन पीपल हैं, लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि यार आप चोजन पीपल हैं और खुदा ने इब्राहिम की औलाद के लिए सरजमीन मुख्तस की थी, तो हजरत इब्राहिम की औलाद में जहां पर हजरत इसहाक थे वहां पर हजरत इस्माइल भी तो हैं। लेकिन यहूदी इस आर्ग्यूमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं, फरमाबरदार जो बेटा था वो हजरत इसहाक ही था। तो एक तो दोनों ममालिक के दरमियान इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर जो झगड़ा है उसके पीछे एक रिलीजियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये मसला बड़ा है वो है ज़ायनिस्ट मूवमेंट। इसको आप थोड़ा सा डिटेल में खुद पढ़ लीजिएगा। ज़ायनिज्म बुनियादी तौर पर एक तहरीक थी 1882 में थियोडर हर्जल ने शुरू कर ली, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि पूरी दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा किया जाए और उन्हें अलहदा अपनी सरजमीन के लिए पोशा रहने की जो है वो दावत दी जाए। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसका वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1870s में यूरोप में एज ऑफ यूनिफिकेशन है, इटालियन यूनिफिकेशन हो रही है, जर्मन यूनिफिकेशन हो रही है, तो यहूदियों में भी अपना जो नेशनलिज्म है वो दोबारा से इमर्ज हो रहा है कि काश वो जमाना भी आता कि यहूदी भी एक कौम की तरह इमर्ज होते। तो थियोडर हर्ज़ल वाज सच अ यंग मैन, बड़ा टिपिकल टिपिकल किस्म का हरामी बंदा, उसने ये जो है वो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, ये मूवमेंट शुरू कर ली। सेकेंड, इस मूवमेंट के पीछे रीजन ये है कि ये जो यूरोप है वहां पे एंटी सेमिटिज्म बहुत था, ईसाई यहूदियों से नफरत करते हैं। आज भी हम कितना भी मान लें ना जूडो क्रिश्चियन अलायंस है, ये आगे चलकर क्वेश्चन यही है कि हम यहूदियों से हिसाब लेंगे, और ये भी मैं आपको आज बता दूं कि इसके पीछे क्या वजह है।
क्रिश्चियंस जो ईसाई है उनका ये अकीदा है और ये उनका ख्याल है और ये हकीकत भी है कि हजरत ईसा को सलेब पे चढ़ाने में जहाँ पे डायरेक्ट किरदार तो रोमियो का था, चले मान लिया, लेकिन रोमी जो बादशाह थे, रोम के जो बादशाह थे, उनके कान भरने वाले जो थे वो यहूदी पादरी थे, यहूदी सनाबाह के जो लोग थे। उन्होंने कहा कि यार आप इस बंदे को कैसे आजाद छोड़ रहे हैं कि ये हर सब लोगों को इकट्ठा कर रहा है, रोमन एम्पायर की जो ताकत है उसे कमजोर कर रहा है, लिहाजा ये बागी है, ये एक यहूदी इंडिविजुअल नहीं, रोमी बादशाह के कान में बात थी और उसकी बात को मद्देनजर रखते हुए, डेलिब्रेशन करते हुए हजरत ईसा को सलीब के ऊपर चढ़ाया गया। तो क्रिश्चियंस ने हिस्टोरिकली तो प्रोसिक्यूट किया है यहूदियों को, और यही ख्याल है क्रिश्चियंस का कि यार यही वो लोग हैं जो किसी के नहीं हो सकते, ये सिर्फ हम मुसलमानों का ख्याल नहीं है कि कुरान ने हमें बताया कि बेशक ये वक्ती तौर पर तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम्हारे साथ दोस्ती भी करेंगे, लेकिन ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं बन सकते। हमें से कितने भी लिबरल्स कह लें कि नहीं नहीं यार ये तो बस पुरानी बातें हैं, क्या अमेरिका हमारा दोस्त नहीं बन सकता, आपको ये ट्रीटी दस्तखत में ये दोस्त मिल सकते हैं कि हाँ हम दोस्त हैं, या आपको हलफन भी कहेंगे कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन इनका जो इनके दिल में जो बुग्ज है वो यहाँ होता रहेगा। आप देखें वॉर ऑन टेरर क्या थी, ये वॉर अगेंस्ट इस्लाम नहीं थी तो क्या थी। हम कितना भी ये इस नैरेटिव को डिसमिस कर लें कि यहूदी और ईसाई हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं करते, चलें ठीक है पाकिस्तानी तो कौम है ही ना बेवकूफ ना, चलें ठीक है हम इसको एक्सक्लूड कर लेते हैं, बाकियों को भला देख लेते हैं। ये तो आप सब मानते हैं ना कि ईरान बाकायदा तौर पर एक नजरियाती कौम है, बाग़यूर कौम है, अगर पाकिस्तान की आप बात कम कर लें, लेकिन मेरा मानना है कि पाकिस्तानी भी बाग़यूर कौम है, ये करने पे आए तो ये ईरान वगैरह इसको धूल भी नहीं देखने देते। तो ये किन सब ममालिकों की इकट्ठा होने क्यों नहीं देते, मुझे आप ये सिर्फ बता दें, ठीक है हमें मसले हैं, ये इनको क्या पड़ती है जब भी जो है वो मुसलमान ममालिक इकट्ठे होने की कोशिश करते। एनीवे तो ज़ायनिस्ट मूवमेंट थी, यहाँ से इजरायली स्टेट के जो ओरिजिनल्स थे, थियोडोर हेंजल ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर लिया 1898 में। ये इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन गई कि आप उसकी मिसाल ले सकते हैं कि दुनिया भर के जो मेजर ममालिक हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स इस ज़ायनिस्ट मूवमेंट का हिस्सा थे और उसकी प्रॉपर फंडिंग करने में अपना अहम किरदार जो थे वो अदा कर रहे थे। वो रशिया का फॉरेन मिनिस्टर, यूके का तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तंजीम में शामिल हो गया। इवन आगे चलकर चर्चिल और इस तरह के लोग जो बाद में हम जिनकी कोटेशन में सवाल करते हैं, यार ये इनके लिए इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल था जब तक कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट की जो गैदरिंग्स है उसमें पार्टिसिपेट ना करते। चैम्बरलेन ने तो बाकायदा तौर पर एक गारंटी ले दी ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने कि यार मैंने अपना यहाँ पे जो इकतदार है वो आगे जो है वो कंटिन्यू करना। एनीवे अब ये थोड़ा सा आपका होमवर्क है कि एंटी ज़ायनिज्म क्या है, एंटी सेमिटिज्म। अगर आपको ये ना ही समझ में, तो ये कल फलस्तीन वाला हिस्सा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप इसको लेके चले। उसके बाद फिर आपने देखे जैसा देखे देखा जैसे कि साइक्स पिकेट एग्रीमेंट हुआ और बर्तानिया ने कहा गया चलो ठीक है हमें ब्रिटिश मैंडेट के तहत फलस्तीन मिल गया है हम आपको दे देंगे। 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन हुई। 1930s में यहाँ पे इजरायली ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने बाकायदा तौर पर एक जमीन जिसकी कीमत आप 1,000 समझ लें उसकी जगह उन्होंने 50,000 देना शुरू कर ली और कुछ ऐसा जमीन का उन्होंने फलस्तीनियों से खरीदा। इसमें भी कोई जो है वो मतलब कोई हम ये कहेंगे कि नहीं झूठ ऐसा नहीं है, तो ये जमीन उन्होंने खरीदी। लेकिन जो बड़ा मसला है सबसे वो यही है कि उसके फौरन बाद क्या हुआ, 1930s में ये जो बर्तानिया है उसने देखा कि यार यूरोप में हिटलर और ये सारे लोग यहूदियों को मार रहे हैं, इन सबको उन्होंने बुलवाया यहाँ पे फलस्तीन में, क्या आओ इधर आबाद हो जा। यहाँ पे फलस्तीनियों को पता चला कि यार उनके साथ तो हाथ हो गया, उनके साथ तो ज्यादती हो गई है, यहाँ पे क्यों ये आबाद हो रहे हैं लोग, कोई और जगह ही नहीं है, कोई और इलाका ही नहीं है जहाँ पे ये लोग आबाद हो जाए। अब यहाँ पे फिर लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन 1945 के बाद एक इंटरनेशनल यहूदियों ने बड़ी प्रोपेगंडा कर लिया कि नहीं नहीं देखें हमारा हॉलोकॉस्ट हुआ है और हम तब तक इसी तरह होते रहेंगे जब तक हमें एक अलग रियासत नहीं मिलेगी। तो अमेरिका ने कहा हाँ हम आपको जो है वो रियासत दिलवा रहे हैं, उन्होंने बरतानिया को कहा, मुसलमानों ने कहा कि यार आप ऐसी रियासत दिए जो है वो न्यूयॉर्क में क्यों नहीं इकट्ठा इकट्ठा करते, आपको यही जगह मिली है। हिटलर को मस्जिद अल अक्सा के इमाम को उसने खत लिखा हिटलर ने कि यार यहूदियों का मैं क्या करूं, तो उसने सीधा जवाब दिया कि यार इनको मार दो, इनकी प्रोसिक्यूशन कर लो, ये
तुम्हारा तत्ता उलट देंगे, तुम्हें याद नहीं 1916 में उन्होंने क्या किया था, 18 में क्या किया था, ये हमारे साथ क्या करते हैं, चले हमें छोड़ दो, ये हिस्ट्री में देखो यूरोप में बाकी जहां जहां पे क्रिश्चियन थे उनको किस तरीके से ट्रीट किया यहूदी ने, यहूदियों को मौका मिले ये जंगल को आग लगा देंगे। हम इम्प्रेस हो जाते हैं कि जनाब आइंस्टाइन बस साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का क्या करें, साइंटिस्ट साइंटिस्ट तो ये साल से बन करके बैठे हैं, ठीक है हमें भी कुछ मसाइल है, लेकिन ये क्या बस हम दो चार बस लिबरल स्कूल ऑफ थॉट वाले हमारे बस जीन्स पैंट पहन ली और कहेंगे कि नहीं नहीं यार देखें वाह वाह वो तो साइंस में निकल गए, हम तो तनकीद में आगे निकल गए। हाँ हम निकल गए तनकीद में आगे क्यों, वो साजिशों में निकल गए, आप साजिशें समझ ही नहीं रहे, आप उनको वैसे ही डिसमिस कर रहे हैं। एनीवे तो फिर 1948 में जो है वो रियासत इसराइल बन, अच्छा हिटलर ने पता है क्या प्लान किया था, हिटलर ने कहा था कि इनको आप किसी जगह आबाद ना करो, दुनिया के नक्शे में एक वाहिद इलाका है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अलग जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्मी और कुछ भी नहीं है, वो एक जजीरा है, वो एक बड़ा मतलब जजीरा नुमा एक मुल्क है मदगस्कार, मैं उसकी सही प्रोनाउंसिएशन शायद नहीं कर पा रहा, मदगस्कार MADGSCAR, ये आप गूगल करके देख लें। हिटलर ने कहा कि यार मैंने यहूदियों को एनालाइज किया है, मैंने उन्हें पढ़ा है, मैंने उनके करतूत देखे हैं, दुनिया अगर इनसे चाहती है छुटकारा लेना तो इनको मदगस्कार में आबाद कर लो, और उन्हें कहो कि ना वो दुनिया से रابطہ रखेंगे ना दुनिया इनसे कोई रابطہ रखेगी, बस वो जाने और उनका खुदा जाने, बस उधर ही उन्हें मनो सलवा अगर उतरता है तो उतरने दे, उधर ही अगर हजरत मूसा उनको कोई जो है वो किताबें दे रहे हैं कि यार तुम हक की राह पे आओ तो वो नाने दे, क्योंकि यही लोग थे जिन्हें जब बादशाहों ने कैद कर लिया तो उन्होंने खुदा से कहा कि हमारे लिए कोई मसीहा लाओ, तो जब हजरत मूसा आए तो ये बड़े खुश हुए, लेकिन जब उसी हजरत मूसा ने कहा कि आओ मेरे साथ फिरौन के साथ लड़ने चलो, तो उन्होंने कहा कि नहीं मूसा हम तो मनो सलवा के लिए तुम्हारे पास आए थे, तुम जानो तुम्हारा खुदा जाने, हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं। एनीवे तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इजराइल होती है 1948 में, यहां से पहली अरब इजराइल जंग होती है, और पहली अरब इजराइल जंग में ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह वाजे है कि फलस्ती इजराइल की रियासत डूबने वाली थी, अमरीकी ना आते तो इसराइल की रियासत का उसी दिन खात्मा हो जाता है, पूरे अरब वर्ल्ड इकट्ठी हो गए कि यार ये आप क्या ज्यादतियां कर रहे हैं हमारे साथ, पहले हमें कॉलोनाइज किया, फिर हमें बेवकूफ बनाया, अब फिर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और कानून के बुनियाद पर आप फिर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं हमारे साथ, इसमें इनकी शिकस्त हुई। फिर फर्स्ट अरब इसराइल वार इसकी ये जो है वो आप फिर डिटेल पढ़ लें, फिर उसके बाद होती है 1967 की वार, इसको सिक्स डेज वॉर भी कहा जाता है, 6 दिन के लिए जंग चलती है जिसमें जो है वो मिडल ईस्ट के तमाम तर ममालिक की जो एयरफोर्स है मिलिट्री है नेवी है सबको स्टेट ऑफ इजराइल ने तबाह कर लिया। उसके बाद फिर एक और टाइम पीरियड है 1973 वाला, ये आप देख सकते हैं 67 की जो जंग है ये कैसे चली। 73 में फिर होती है योम कपूर वार, और योम कपूर वार बुनियादी तौर पर इवेंट है जैसे ईद उल अज़हा ईद उल फितर है हमारा, तो वो दिन है यहूदियों का, उसी दिन फिर जंग होती है, इजिप्ट है जंग को शुरू करता है सीरिया के साथ, लेकिन ये भी फिर नाकाम हो जाती है, कैसे भाई कामयाब होगी, अमेरिका का फायर पावर इनके साथ है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ है इनके, फिर मुस्लिम वर्ल्ड खुद भी ये लीडर कमजोर है वीक विल्ड है ईमान की ताकत है नहीं, तो ये फिर जंगें सारी ये समझते कि हथियारों से जीती जाएंगी, तालिबान ने देखे कि हथियारों से जंग जीती। 1978 में फिर इजिप्ट ने कहा कि नहीं यार बस हो गई, बस हम नहीं लड़ेंगे, कोई और लड़े तो लड़े, बस अब इस मिस्र नहीं लड़ेगा, कैसे नहीं लड़ेगा, मिस्र ने पैसे लिए हैं भाई, मिस्र ने कहा कि यार बस इज्जत रख लो हम जो है वो पीछे हो रहे हैं। हेनरी किसिंजर ने कहा था कि इफ यू वांट पीस इन मिडल ईस्ट यू मस्ट हैव इजिप्ट एंड इफ यू वांट वॉर इन मिडल ईस्ट यू मस्ट हैव सीरिया, इन दो ममालिक का कलीदी किरदार होगा जो भी पीस प्रोसेस होगा, और जल्दी से कहा गया कि नहीं इजिप्ट को इस पीस प्रोसेस में शामिल होगा, बाद में फिर सीरिया को भी मजबूर किया गया, जॉर्डन को भी मजबूर किया गया कि नहीं भाई आप उसे रिकॉग्नाइज करो, आप इसको अल जजीरा के ऊपर थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री देखे ना स्टेट ऑफ इसराइल के ऊपर आप थोड़े से हैरान हो जाएंगे। अच्छा उसके बाद ओस्लो अकॉर्ड्स हुए, अब ओस्लो अकॉर्ड्स बड़े सिग्निफिकेंट थे, यहाँ पर फलस्तीन की रियासत बनने ही वाली थी लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर को वहां से हटा दिया गया कि नहीं नहीं यार तुम तो ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है उसे जो है वो खत्म कर दो, शमाउन परवेज उसे नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया, मजे की बात यासर अरफात को भी नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया, अब देखें कि कातिल को भी नोबेल पीस प्राइज मिल रहा है, मकतूल को भी नोबेल पीस प्राइज, ये वेस्ट की आप हाइपोक्रेसी देख।
उसके बाद फिर कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए, उसके ऊपर टॉक्स हुए, लेकिन इसराइल ने हमेशा मुजाकरात को बस एक एक्सक्यूज के तौर पर लिया है, टाइम बाइंग टैक्टिक्स के तौर पर लिया है। कोई भी सिग्निफिकेंट सरेंडर इसराइल करना ही नहीं चाहता। पीस प्रोसेस की लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन है डील ऑफ द सेंचुरी, जिसमें फलस्तीनियों को टेबल पे लाया ही नहीं गया, ट्रंप ने अपनी तरफ से जो है वो डील कर लिए। ये आपको हालत नजर आएगी मसला फलस्तीन की। अब मसला फलस्तीन में जो बाकी दीगर बातें हैं, पीएलओ क्या है, हमास क्या है, जेरूशलम डील ऑफ द सेंचुरी, यहां से फिर हम इंशाल्लाह कल बातें करेंगे। अभी हम इस नोट पे क्लास खत्म कर रहे हैं, आपके जो सवालात हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से वो भी कल करेंगे। बस आप ये थोड़ी सी देख लें कि ये जब तक आप और हम जैसे लोग थोड़ी सी आंख नहीं खोलेंगे तब तक ये हत्याएं होती रहेंगी। तो आप अपनी कैपेसिटी में जहां पर भी हो, ये जो जूडो क्रिश्चियन अलायंस है, किसी भी मकतबा फिक्र के खिलाफ हो, उसका अपने खिलाफ हमला करना। और सबसे बड़ा मैं कहता हूँ कि अगर जैसे मुसलमानों के दिलों में जो खंजर है, वो मिडल ईस्ट की में जो खंजर है वो इसराइल की सूरत में, तो उस इसराइल के बाद उन्होंने एक और बड़ा फितना भी हमारे दिल में फोड़ दिया, वो है कादियानी होगा। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह कभी बात करेंगे। इन दो चीजों के ऊपर आपने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना कश्मीर के ऊपर। बाकी जो डोमेस्टिक मसाइल है उसके लिए तो हम पहले ही एक्टिव हैं, इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश करेंगे। तो चूंकि आप बेहतरीन उम्मत हैं, तो फिर आपके लिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं। सी यू गाइस टुमारो। वसीम, आई गॉट योर क्वेश्चन। मैं कुछ देर में आपसे रब्ता कर लेता हूँ, या आप थोड़ा सा जाग लें, 11 बजे तक मैं आपसे रब्ता कर लेता हूँ।